वेलकम टू साइंस क्लास क्लास 8 चैप्टर नंबर 1 क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। इन प्रीवियस क्लास वी हैव ऑलरेडी स्टडीड अबाउट टाइप्स ऑफ क्रॉप्स, दैट इज खरीफ क्रॉप, रबी क्रॉप एंड जायद क्रॉप ऑन द बेसिस ऑफ सीजन। पिछले वीडियो में आपने खरीफ क्रॉप, रबी क्रॉप यानी टाइप्स ऑफ क्रॉप पढ़ लिए थे। अब इस वीडियो में आप पढ़ेंगे और एग्रीकल्चर करते कैसे हैं, खेती कैसे होता है। वेरियस एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेज, एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेज मींस वेरियस एक्टिविटीज टास्क विच आर नीडेड फॉर एग्रीकल्चर। जो एक्टिविटी चाहिए, जो नीडेड है, जिस वो एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेज। नंबर ऑफ एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेज सच एज सॉइल प्रिपरेशन, सोइंग, एडिंग मैनुअर एंड फर्टिलाइजर, इरीगेशन, प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड्स, हार्वेस्टिंग एंड स्टोरेज। फर्स्ट पॉइंट इज सॉइल प्रिपरेशन। इट इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट टास्क एंड फर्स्ट स्टेप फॉर एग्रीकल्चर। खेती करना शुरू करेंगे एग्रीकल्चर तो सबसे पहला टास्क क्या होगा, फर्स्ट स्टेप प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, सॉइल का प्रिपरेशन। सॉइल प्रिपरेशन मीन्स टिल, फर्स्ट टिलिंग और प्लाइंग। टिलिंग और प्लाइंग मीन्स लूजनिंग एंड टर्निंग ऑफ सॉइल विद द हेल्प ऑफ प्लाउ एंड अदर टूल्स, इम्प्लीमेंट्स। इम्प्लीमेंट टूल्स मीन्स जो एग्रीकल्चर में यूज किए जाते हैं इंस्ट्रूमेंट, उनको कहते हैं टूल्स और इम्प्लीमेंट्स। प्लाव हल आप जानते होंगे, टिलिंग और प्लॉइंग जो सॉइल का जोताई कुड़ाई होता है उसको टिलिंग और प्लॉइंग कहते हैं। कैसे होगा, प्लाव के हेल्प से होता है। तो लूजनिंग एंड टर्निंग ऑफ सॉइल इज कॉल्ड टिलिंग और प्लॉइंग, सॉइल को लूज करना। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टास्क। आफ्टर टिलिंग, टिलिंग करने के बाद बिग पीसेज ऑफ सॉइल मे बी सी इन फील्ड, बिग पीसेज ऑफ सॉइल टिलिंग के बाद जो सॉइल का बिग पीसेज मिलेगा उसको क्या कहेंगे, क्रम्स। एंड क्रम्स शुड बी ब्रोकन डाउन इंटू स्मॉलर पार्टिकल्स। लार्जर पार्टिकल बड़े बड़े पीस को छोटे छोटे में तोड़ना होता है। उसको कैसे तोड़ेंगे, विद द हेल्प ऑफ प्लैंक। प्लैंक इज अ टूल फॉर एग्रीकल्चर। प्लैंक से क्या काम होगा, क्रम को छोटे टुकड़े में तोड़ने का काम हो जाता है। सॉइल टिलिंग के बाद क्रम्स मिला, बिग पीसेज ऑफ सॉइल, बिग पीसेज ऑफ सॉइल ब्रोकन डाउन इनटू स्मॉलर पार्टिकल्स विद द हेल्प ऑफ प्लैंक। प्लैंक के बाद लेवलर, विद द हेल्प ऑफ लेवलर लेवलिंग इज डन। लेवलिंग मीन्स सॉइल को बराबर करना, तो लेवलर के हेल्प से सॉइल को बराबर करते हैं। ठीक है, अब व्हाई प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, लूजनिंग एंड टर्निंग ऑफ सॉइल इज नेसेसरी। Loosening and turning of soil is necessary. But why it is necessary? क्यों करते हैं loosening and turning? First point is
सबसे पहले क्या एडवांटेज है लूजनिंग एंड टर्निंग का, सॉइल पार्टिकल्स जो एक दूसरे से कॉम्पैक्ट थे, बंधे हुए थे, वो अब लूज हो जाएंगे, एंड रूट्स कैन पेनेट्रेट डीप इन द सॉइल, जो रूट होते हैं वो सॉइल में नीचे तक जा सकते हैं, अंदर तक चले जाते हैं, और सॉइल का उलट पुलट हो जाएगा। ठीक है, लूजनिंग में उलट पुलट हो जाना, तो उलट पुलट हो जाने से क्या होगा, न्यूट्रिएंट्स जो नीचे बैठे हुए थे, नीचे जमा थे, वो अब ऊपर आ जाएंगे। टॉप लेयर ऑफ सॉइल इज बेस्ट फॉर कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप, ग्रोथ ऑफ क्रॉप, और टॉप लेयर में न्यूट्रिएंट्स नहीं है, नीचे है, तो वो टिलिंग से ऊपर आ जाएगा। वेरियस माइक्रो ऑर्गेनिज्म इंसेक्ट, यूजफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म इंसेक्ट, अर्थवर्म कैन ग्रो इन द सॉइल एंड इट प्रोवाइड स्पेस फॉर एयर एंड वाटर ऑल्सो। अब सॉइल लूज हो गया तो वहाँ पे एयर भी रह सकता है, उसके पार्टिकल्स में के बीच में वाटर भी रह सकता है, जो यूजफुल माइक्रोब्स इंसेक्ट्स एंड अर्थवर्म्स को ग्रो करने के लिए हेल्पफुल हो जाएगा, और ये सॉइल को और फर्दर फर्टाइल बनाते हैं, एंड हेंस दे आर कॉल्ड फ्रेंड ऑफ फार्मर्स, ये फार्मर के फ्रेंड कहे जाते हैं, सॉइल को फर्टाइल बना रहे हैं। तो फ्रेंड ये भी क्वेश्चन आपका आ सकता है एग्जाम में, व्हाई अर्थवर्म्स आर कॉल्ड फ्रेंड ऑफ फार्मर, ये लोग फार्मर के फ्रेंड क्यों होते हैं। नेक्स्ट, रूट तो अंदर चला गया, और रूट को कैन ब्रीथ वेरी इजीली, आसानी से वो ब्रीथ भी कर सकता है, ये सॉइल पार्टिकल्स में एयर ट्रैप है, तो इजीली ब्रीथ भी हो जाएगा, तो ये क्रॉप को के ग्रोथ के लिए इम्पॉर्टेंट टास्क था। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट इज सोइंग, सोइंग मीन्स सीड को लगाना, सॉइल आपका तैयार है, तैयार सॉइल में आप क्या करेंगे, सीड को लगाएंगे। बिफोर सोइंग, सोइंग करने से पहले सीड को सेलेक्ट करना पड़ता है, सीड सेलेक्शन इज इम्पॉर्टेंट टास्क, विच टाइप ऑफ सीड रिक्वायर्ड, कैसा सीड हम लोग को चाहिए होगा, जरूरत होगा, हेल्दियर सीड, अच्छा सीड चुन के, तो ये सिलेक्शन हो गया। घर में भी आप इसका छोटा सा एक्टिविटी को कर सकते हैं, वीट और अदर ग्राम सीड्स को लेके आप वाटर में डाल दीजिए, थोड़ा जो डैमेज सीड होगा वो फ्लोट करेगा। वाई डैमेज सीड्स फ्लोट ऑन वाटर, अब ये भी एक क्वेश्चन हो गया कि डैमेज सीड क्यों फ्लोट करेगा, डैमेज होने से क्या होगा, अंदर से हॉलो हो गया, खोखला हो गया, तो क्या होगा, लाइटर हो जाएगा, हल्का हो जाएगा, इसलिए वाटर में फ्लोट करता है। ठीक है, सोइंग कैन बी डन विद द हेल्प ऑफ सीड ड्रिल, इन मॉडर्न डेज सीड ड्रिल्स इज यूज फॉर सोइंग एंड ब्रॉडकास्ट मेथड ऑल्सो, सीड को मैनुअली भी लगाते हैं, और ब्रॉडकास्ट मीन्स बस सीड को लिए और ब्रॉडकास्ट कर दिए, बिखरा दिए, तो वो सीड सोइंग हो गया। बट इन मॉडर्न डेज सीड ड्रिल इज बेस्ट टेक्निक, बेस्ट मेथड फॉर सोइंग। सीड ड्रिल में कैसे क्या होगा, सीड ड्रिल में आप देखते हैं कि जो सीड ड्रिल होते हैं, रफ डायग्राम से आप समझ सकते हैं, सीड ड्रिल में डिस्टेंस पे, सीड ड्रिल मेंटेन्स डिस्टेंस डेप्थ बोथ, डिस्टेंस भी मेंटेन हो जाएगा सीड ड्रिल से, सीड ड्रिल से डिस्टेंस भी मेंटेन हो जाता है आपका, और
क्या हो सकता है सीडिल से, आपका डेप्थ डिस्टेंस भी प्रॉपरली मेंटेन होना चाहिए, योर डिस्टेंस प्रॉपरली मेंटेन होना चाहिए कि ओवर क्राउडिंग ना हो, ठीक है, ओवर क्राउडिंग नहीं होना चाहिए। तो ओवर क्राउडिंग को ये ओवर क्राउडिंग को प्रिवेंट करेगा और प्रॉपर डिस्टेंस एंड प्रॉपर डेप्थ आल्सो मेंटेन्ड, प्रॉपर डेप्थ भी मेंटेन हो जाता है। जैसे ऊपर अगर रह गया सीड तो क्या होगा, इन बर्ड्स ये सब डैमेज कर सकते हैं। तो प्रॉपर डेप्थ और डिस्टेंस, इट सेव्स लेबर एंड आल्सो टाइम, टाइम भी बचाएगा और मेहनत भी बचता है। सोइंग हो गया, सोइंग के बाद नेक्स्ट पॉइंट थर्ड पॉइंट इज सॉइल प्रिपरेशन, सोइंग एंड थर्ड एडिंग मैन्यूर एंड फर्टिलाइजर। नाउ क्वेश्चन, व्हाट इज मैन्यूर एंड व्हाट इज फर्टिलाइजर। पहले ये जानना है कि मैन्यूर फर्टिलाइजर क्या होता है। मैन्यूर इज ऑर्गेनिक सब्सटेंस एंड फर्टिलाइजर केमिकल सब्सटेंस। मैन्यूर इज प्रिपेयर्ड विद द हेल्प ऑफ बाय यूजिंग बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेज, ऑर्गेनिक सब्सटेंसेज ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स, किचन वेस्ट, सीवेज वेस्ट, इटीसी। ये ऑर्गेनिक प्लांट और एनिमल के रिमेनिंग से मैन्यूर बनता है। एंड फर्टिलाइजर इज प्रिपेयर्ड बाय यूजिंग केमिकल सब्सटेंसेज इन फैक्ट्री, एंड मैन्यूर इज प्रिपेयर्ड इन द फील्ड। ये फील्ड में ही बनेगा और ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस के डिकम्पोज होने से, और फर्टिलाइजर फैक्ट्री में बनता है। क्लियर। दे प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू सॉइल एंड हेंस प्लांट्स कैन ग्रो, हेल्दी प्लांट्स कैन ग्रो वेरी इजी। तो मैनुअल फर्टिलाइजर क्यों ऐड किया जाता है, तो सॉइल में जो न्यूट्रिशन न्यूट्रिएंट का डेफिशिएंसी कमी है उसको मैनुअल फर्टिलाइजर फुलफिल कर देगा, पूरा कर देगा, इसलिए मैनुअल फर्टिलाइजर को यूज किया करते हैं हम लोग। अब इसमें कितना क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए हो गया, व्हाट इज मैनुअल एंड फर्टिलाइजर, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन मैनुअल एंड फर्टिलाइजर इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एंड वॉट इज एडवांटेज ऑफ यूजिंग मैनुअल ओवर फर्टिलाइजर, फर्टिलाइजर से बेटर है मैनुअल को यूज करना, ठीक है, एंड डिमेरिट ऑफ मैनुअल, मैनुअल में क्या कमी है और फर्टिलाइजर की कैसे उससे बेटर होगा, सारे पॉइंट, ठीक है, एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज, ये इतना पढ़ लेंगे तो आपका मैनुअल फर्टिलाइजर का क्वेश्चन आप कर पाएंगे। मैनुअल फर्टिलाइजर है क्या, समझ में आ गया है। नेक्स्ट पॉइंट, डिफरेंस बिटवीन मैनुअल एंड फर्टिलाइजर, दोनों में क्या डिफरेंस है, अंतर क्या है, कंसेप्ट आप समझ लीजिए, एग्जाम में आप लिख पाएंगे। मैनुअल डेफिनेशन में ही दो डिफरेंस आप देख लिए हैं, मैनुअल ऑर्गेनिक सब्सटेंस केमिकल सब्सटेंस, क्लियर। सेकेंड पॉइंट, मैनुअल प्रिपेयर इन द फील्ड एंड फर्टिलाइजर प्रिपेयर इन फैक्ट्रीज, सेकेंड पॉइंट, एंड थर्ड पॉइंट, मैनुअल इज बेटर इन द सेंस, व्हाई इट इज बेटर, बिकॉज इट मेंटेन्स सॉइल फर्टिलिटी एंड सॉइल टेक्सचर, सॉइल के फर्टिलिटी को बढ़ाता है, इट प्रोवाइड ह्यूमस, ह्यूमस यू नो यू हैव ऑलरेडी लर्नड इन क्लास 7, मैनुअल प्रोवाइड ह्यूमस
एनहेंस मेंटेन फर्टिलिटी ऑफ सॉइल, ह्यूमस प्रोवाइड करता है इसलिए सॉइल को फर्टाइल बनाता है, उपजाऊ बनाता है। एंड फर्टिलाइजर डज नॉट मेंटेन सॉइल टेक्सचर एंड सॉइल फर्टिलिटी। व्हाट यू मीन बाय टेक्सचर? टेक्सचर मीन्स सॉइल स्ट्रक्चर, सॉइल का कंपोजिशन, बनावट। तो मैनुअल मेंटेन करेगा सॉइल के टेक्सचर को और फर्टिलिटी को, और फर्टिलाइजर मेंटेन नहीं कर पाता है। थर्ड पॉइंट हो गया। फोर्थ पॉइंट में क्या आप लिखेंगे इसमें? इट इज न्यूट्रिएंट स्पेसिफिक बट मैनुअल इज नॉट न्यूट्रिएंट स्पेसिफिक। मैनुअल जो है वो न्यूट्रिएंट स्पेसिफिक नहीं है। तो न्यूट्रिएंट स्पेसिफिक मीन्स क्या हो गया? जब फील्ड में बन रहा है, ठीक है, और तो इसमें सब न्यूट्रिएंट्स कुछ कम कुछ ज़्यादा रहेंगे इसमें, लेकिन फर्टिलाइजर को तो आप फैक्ट्री में बना रहे हैं, तो कभी नाइट्रोजन बेस्ड फर्टिलाइजर बनाएंगे तो नाइट्रोजन डाल देंगे, ठीक है, नाइट्रोजन डाल सकते हैं, पोटासियम, फास्फोरस या जो भी है, तो इसको हम लोग न्यूट्रिएंट स्पेसिफिक बना सकते हैं, ठीक है, और इसमें सब होगा। लेकिन इसमें और क्या है? इट इज चीपर, सस्ता होगा। आप वेस्ट मटेरियल से आप बना रहे हैं और इसको आप खरीदते हैं, तो कॉस्टली एंड चीपर। ये सस्ता है, चीप है, ये आप मनी देकर इसको खरीदते हैं, तो ये आपका कॉस्टली भी पड़ा और आपके सॉइल को भी फाइनली बर्बाद कर रहा है। क्लियर हो गया? क्योंकि केमिकल सब्सटेंस है, ठीक है। लेकिन एक एडवांटेज है इसमें, क्या? न्यूट्रिएंट स्पेसिफिक होने से क्या होगा, और ये सॉल्युबल और इजीली एब्जॉर्ब भी होगा, और क्रॉप इसमें बहुत फास्टली ग्रो करता है, जबकि मैनुअल आप डालेंगे तो उसका ग्रोथ स्लो होगा। ग्रोथ स्लो है लेकिन हार्मफुल नहीं है, सॉइल को भी मेंटेन कर देगा, ठीक है। इट इज बल्की, नॉट इजी टू ट्रांसपोर्ट, इसको कहीं ले जाने ले आने में, ट्रांसपोर्ट में मुश्किल है, ठीक है, हैंडल इजली नहीं हो पाएगा। फर्टिलाइजर्स क्या होगा? एकदम सॉलिड फॉर्म में है और ये आपका गनी बैग्स में भी पैक करके मार्केट में अवेलेबल है, तो ट्रांसपोर्ट में भी ये आसान होता है, ठीक है। मैनुअल फर्टिलाइजर के डिफरेंस को आप जरूर याद कर लेंगे, एग्जाम के लिए बहुत इम्पोर्टेंट होता है। नेक्स्ट, टाइप्स ऑफ मैनुअल एंड टाइप्स ऑफ फर्टिलाइजर। टाइप्स ऑफ मैनुअल, मैनुअल टाइप्स, नंबर वन इज कंपोस्ट। कंपोस्ट मीन्स इट इज फॉर्म्ड प्रिपेयर्ड बाय डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक वेस्ट मटेरियल। ऑर्गेनिक वेस्ट मटेरियल के सड़ने गलने से, डिकम्पोज होने से कंपोस्ट बन जाएगा। नेक्स्ट, वर्मी कंपोस्ट। वर्मी कंपोस्ट इज इन सिमिलर मैनर, इट इज कंपोस्ट बट व्हेन कंपोस्ट इज प्रिपेयर्ड बाय यूजिंग रेड वर्म्स, इट इज कॉल्ड वर्मी कंपोस्ट एंड प्रोसेस इज कॉल्ड कंपोस्टिंग एंड वर्मी कंपोस्टिंग। क्लियर? एंड नेक्स्ट, एफ वाई एम। एफ वाई एम मीन्स फार्म यार्ड मैनुअल। फार्म यार्ड मैनुअल मीन्स जहाँ एनिमल हस्बेंड्री, कैटल फार्मिंग, जहाँ एनिमल्स को रखे हैं, तो उनके एस्केटिव मटेरियल जो डंग है ये सब, या स्ट्रॉ जो भी है, तो वो सब से वहीं पे मैनुअल को तैयार करते हैं। तो ये हो गया एफ वाई एम, फार्म यार्ड मैनुअल। एंड नेक्स्ट, ग्रीन मैनुअल।
ग्रीन मैन्योर फील्ड में कुछ ऐसे क्रॉप्स को, प्लांट्स को लगा देते हैं और फिर उसको प्लाइंग करके टिलिंग उसको फिर उसी में मिला दिया गया सॉइल में, तो ग्रीन मैन्योर। ग्रीन मैन्योर इज बेस्ट मैन्योर, कंपोस्ट, वर्मी कंपोस्ट, और इज वेरी यूजफुल एंड मेंटेन सॉइल फर्टिलिटी। एंड टाइप्स ऑफ फर्टिलाइजर, फर्टिलाइजर्स के टाइप्स, इसको भी आप नोट कर लीजिए। नाइट्रोजिनस फर्टिलाइजर, नाइट्रोजिनस फर्टिलाइजर मीन्स नाइट्रोजन बेस्ड फर्टिलाइजर, नाइट्रोजन बेस्ड, जिसमें नाइट्रोजन स्पेशली है। एग्जाम्पल लिख लेंगे आप, यूरिया एंड अमोनियम नाइट्रेट, यूरिया एंड अमोनियम नाइट्रेट, इट इज नाइट्रोजिनस फर्टिलाइजर। नेक्स्ट टाइप ऑफ फर्टिलाइजर इज फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर, फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर, एग्जाम्पल सुपर फॉस्फेट। एंड थर्ड इज पोटासिक पोटासिक फर्टिलाइजर, एज फॉर एग्जाम्पल पोटासियम सल्फेट, एग्जाम्पल पोटासियम एंड फोर्थ पॉइंट इज फोर्थ टाइप ऑफ फर्टिलाइजर इज कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स फर्टिलाइजर मीन्स मिला जुला, मिक्स्ड। ठीक है, एज फॉर एग्जाम्पल नाइट्रोफॉस्फेट नाइट्रोफॉस्फेट एंड अमोनियम फॉस्फेट। जनरल में आप देखते होंगे एनपीके फर्टिलाइजर, एनपीके मीन्स नाइट्रोजन फास्फोरस एंड पोटासियम, नाइट्रोजन फास्फोरस एंड पोटासियम। इस वीडियो में आपने तीन पॉइंट को पढ़ लिया, सॉइल प्रिपरेशन, सोइंग एंड एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर। अब नेक्स्ट में आप ये चार पॉइंट को पढ़ेंगे और फिर क्रॉपिंग पैटर्न बहुत इंटरेस्टिंग होगा एंड एनिमल हस्बेंड्री। ठीक है, तो क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट के पार्ट थ्री में आप फिर नेक्स्ट पॉइंट को पढ़ेंगे। थैंक यू।